नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और दोस्त, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए अत्यंत जरूरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो आपका सचिव का पद होता है वह निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप फ्रेंड संविधान सभा थी उसको एक मूर्ति की तरह रूप प्रदान किया, वह किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। तो फ्रेंड जो जवाहरलाल नेहरू से हम मैच करेंगे, मूर्त रूप, मूर्ति की तरह कौन दिखते हैं? भोले भाले, मतलब चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है जिनके ऊपर, वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो मूर्त रूप कौन प्रदान कर सकता है जो भोला भाला मतलब ऐसा हो? तो जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस से संबंधित है, बच्चों से संबंधित हैं, और बच्चे बिल्कुल मूर्ति जैसे होते हैं, ठीक है, मूर्त रूप होता है बच्चों में, बच्चे और मतलब भगवान का रूप है ये बोला जाता है। तो मूर्त रूप मतलब जवाहरलाल नेहरू से मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? फ्रेंड जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत की सत्ता है वो भारत के आम नागरिकों यानी कि जनता में निहित है। जो भारत के संविधान की जो पावर है, संविधान के अनुसार जो भारत की पावर है वो किसमें सत्ता है, जो सत्ता की जो पावर है वो जनता में निहित है, यानी कि जनता डिसाइड करेगी क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च माना गया है, भारत में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना गया है वह आपका संविधान को माना गया है। फ्रेंड्स संविधान को प्राथमिकता दी गई है भारत में सबसे फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन में संविधान है तो संविधान सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया? संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन उधार लिया था, वो लिया था आपका आयरलैंड से। भारत में कलेक्टर का जो पद है औपनिवेशिक शासन लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो जो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है फ्रेंड्स वो आपकी भाग पाँच में की गई है। कितने में? भाग पाँच में आपकी संविधान की संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के निर्माण की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? वह देती है आपकी पहली अनुसूची, आपका भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों के नामों की तथा उनके राज्यों का ब्यौरा देती है, ठीक है। अनुच्छेद एक में फ्रेंड्स जो भारत को कहा गया है, मैं आपने आर्टिकल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आर्टिकल को ट्रिक वाइज डिस्कशन किया है। सही आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? आर्टिकल 143, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल डी, ऑप्शन डी है आर्टिकल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार है उनको जो निलंबित कर सकता है वो है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा हमारे अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नीति निदेशक का तत्व महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व का महत्व है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी आर्टिकल 44, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी आर्टिकल 50 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका का उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 79 से 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है
जो किस अधिनियम से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1919 के अधिनियम से ली गई है। भारत में द्वि सदनात्मक जो व्यवस्था है वो 1919 के अधिनियम से ली गई है। राष्ट्रपति को संसद का अंग किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है? सही आंसर हो जाएगा एन गोपाल स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? एन गोपाल स्वामी के द्वारा। फ्रेंड जो आपका ऑप्शन ए है सही है, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अपना एक सचिवालय होता है जिसका मुख्य होता है? कैबिनेट सचिव होता है। संसद का एक मुख्यालय होता है, सचिवालय होता है, सचिवालय होता है संसद का एक, जिसका जो मुखिया होता है, मुखिया होता है वो कौन होता है? कैबिनेट सचिव। संसद भवन की परिकल्पना किसने की थी? सर एडविन लुटिंस। नई दिल्ली की स्थापना भी सर एडविन लुटिंस ने की थी और हर्बर्ट ब्रेकर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। संसद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन बुलाना आवश्यक है? संसद के एक वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है। भारतीय संसद सदस्य की योग्यता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 84 में आपकी भारतीय संसद सदस्य की योग्यता आर्टिकल 84 में दी गई है। कितने में? आर्टिकल 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भी सदस्य किसी भी निर्योग्यता के बाद चुन लिए जाते हैं तो इस मामले का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास इसका अंतिम अधिकार होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद सदस्यों को भाषण देने का विशेष स्वतंत्रता प्राप्त है? ऑप्शन ए 105, आर्टिकल 105 के द्वारा जो सांसद होते हैं उन्हें भाषण की स्वतंत्रता है। ठीक है, भाषण देने की विशेष स्वतंत्रता अधिकार का प्राप्त है। ठीक है, तो आर्टिकल 105 में यह प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चल रहे हैं फ्रेंड, देखिएगा अच्छे से। संसद आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद में करती है? ऑप्शन बी 267। विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी ए और बी, लोकसभा और राज्यसभा को। लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? आपका विद्वानों का सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? आर्टिकल 80, 80 के तीसरे आर्टिकल में, 80 का ग, 80 ग में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक है, ठीक है, 12 सदस्य राज्यसभा में और लोकसभा में कौन? दो, दो सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। फ्रेंड्स ठीक है, ये जो होते हैं वो कला कला और वाणिज्य संकाय से होते हैं, और दो होते हैं, दो कौन से होते हैं? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से लिए जाते हैं। ठीक है, आंग्ल भारतीय। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन सी 1/3 सदस्य। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रत्याशी को कम से कम कितने विधानसभाओं सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है? सही क्वेश्चन 10। राज्यसभा के प्रत्याशी को कम से कम 10 विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन सी 79। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्मार्ट सिटी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। यूपी पुलिस जीके की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको जीके की अन्य PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर भी मिल सकती हैं, आप जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।